अगर उनकी नीयत ऐसे बयानों पर अमल करने की होती तो वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते, कम से कम इनको एक धमकी देते कोई कि हम आपको हटा देंगे पार्टी से। लेकिन वैसा कभी उन्होंने कभी नहीं किया। तो इसलिए लगता है कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि इस किस्म के बयान आते रहें ताकि उनको इलेक्शन में इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है तकरीबन 15 नवंबर के करीब में, उस वक्त तक महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए लोग बयान दे रहे हैं। और ये अगर ये बयान देते रहे तो चूँकि आजकल सुप्रीम कोर्ट बंद है, बहस नहीं चल रही है, 14 को फिर सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और बहस शुरू होगी, तो हम अपने सीनियर वकील से कहेंगे इस बात के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में बात लाई जाए कि इस किस्म के बयानों से सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पार्शलिटी है उस और न्यूट्रलिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है, देश के बड़े तबके को ये शुभ पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक़ में फैसला करने का मन बना लिया है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, जो उसकी छवि है, वो धूमिल होती है। तो इसलिए ये कंटेंप्ट की कैटेगरी में आते हैं ऐसे बयान, और अगर ये नहीं रुकेंगे ये लोग तो हमें सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताना पड़ेगी।